हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बताने जा रहे हैं वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा का कुछ सिलेबस है जो कि बीए पार्ट टू का है और हिंदी ऑनर्स है। चलिए हम लोग इसे देखते हैं। इसमें इसको सिलेबस को बताने से पहले हम ये बता दें कि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं, ताकि हमें पढ़ने में आसानी होगी। तो इसमें जो है हिंदी इतिहास में इतिहास के आलोचनात्मक प्रश्न, यानी कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उससे हमारा जो 15 क्वेश्चंस आता है जो कि दो दो नंबर का होता है, टोटल मिला के 30 नंबर आते हैं। और दूसरा काव्य के आलोचनात्मक प्रश्न आते हैं, जो काव्य संग्रह है उससे हमारा 15 क्वेश्चन आता है जो कि दो दो नंबर का होता है, टोटल मिला के 30 नंबर हुआ। उसके पास सप्रसंग व्याख्या जो कि व्याख्या करने को आता है, 10 टॉपिक पर व्याख्या करना होगा जो कि दो दो नंबर का होगा और टोटल मिला के 20 नंबर। उसके बाद जो हमारा चौथा है वो है लघु प्रश्न, यानी कि जिसे हम लॉन्ग क्वेश्चन बोलते हैं, उसमें से 5 क्वेश्चंस आएंगे जो कि दो दो नंबर के रहेंगे, टोटल मिला के 10 नंबर। और उसके बाद व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न, यानी कि जिसे हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ऑब्जेक्टिव 10 क्वेश्चंस रहेंगे जो टोटल मिला के 10 नंबर हुए। और ये हमारा टोटल मिला के, यानी कि इतिहास काव्य सप्रसंग व्याख्या और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के टोटल हमारा 100 नंबर का हुआ। इसके बाद अब हम इसके सिलेबस देख लेते हैं कि अब हमें पढ़ना किस राइटर का बुक है और क्या पढ़ना है। चलिए हम लोग इसे देखते हैं। तो हम ये बता दें कि इसमें जो हमारा हिंदी साहित्य का, जिसमें कि हम पहले ही नंबर में ही देख लिए थे कि इतिहास से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि यही है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, रीति काल से ये द्विवेदी काल तक का है, युग तक हमें पढ़ना है। उसके बाद इसमें आएगा दूसरा रीति काल। रीति काल का जो बुक है वो डॉक्टर बद्रीनाथ तिवारी और डॉक्टर नंद जी दुबे, यानी कि इन दोनों लोगों का मिश्रित बुक है, यही बुक हम लोग को पढ़ना है। और इसकी हम कुछ रीति काल के कुछ हम इसके हम कुछ पाठ भी बता दें आपको, जिसमें कि हमें ये पढ़ना है केशवदास के इसमें 3 चैप्टर पढ़ने हैं, जो कि इसका नाम है रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, और दूसरे हैं बिहारी का भी इसमें 5 पढ़ना है जो कि है भक्ति, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, प्रकृति, नीति, मतीराम, और तीसरे हैं भूषण जी, जिनका भी हमें 6 लेसन पढ़ने हैं। शिवाजी, प्रशस्ति, सेनापति, देव, पदाकार, घन आनंद और ध्रुतपाठ, ये जो है ये हमें रीति काल में पढ़ने हैं। ये इसका हम कुछ पाठ का नाम भी बता दिए। इसके बाद हमें इसमें 9 ग्रंथ पढ़ने हैं। अब हम उस 9 ग्रंथ के नाम लिखते रहे हैं जो कि हम उनके राइटर और उनका बुक दोनों बता देंगे। और जो हमें 9 ग्रंथ पढ़ने थे वो ग्रंथ ये हैं। पहला है हिंदी साहित्य जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। दूसरा है हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2 जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा का है। तीसरा है रीति काव्य की भूमिका जो कि डॉक्टर नगेंद्र का है। और चौथा है रीति साहित्य जो कि डॉक्टर भागीरथ मिश्र जी का है। पाँचवा है भारत इंदु युग जो कि डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का है। छठवा है साहित्यिक निबंध जो कि डॉक्टर त्रिभुवन सिंह जी का है। सातवां है साहित्यिक निबंध 2 है, जो एक डॉक्टर त्रिभुवन सिंह का हमें पढ़ना है और एक डॉक्टर यश गुलाटी जी का पढ़ना है। आठवां है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण जो कि डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का है। नौवां है बिहारी की वाग्विभूति, यानी जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है। हम ये बता दें कि बीए पार्ट 2 में हमारे 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, यानी कि प्रथम पेपर और द्वितीय पेपर। ये जो हमारा सिलेबस था ये प्रथम पेपर का था और द्वितीय पेपर का हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।